बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं राबता। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम लोग मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात के साथ बातचीत करते हैं। हमारा ये एक ख़ास एपिसोड है, जो कि इससे पहले भी हमने रियासत अस्पताल मीरपुर से किया था, और आज का हमारा ये प्रोग्राम भी रियासत अस्पताल मीरपुर से ही होगा। और आज की मेहमान शख्सियत भी हमारे साथ डॉक्टर रियासत साहब ही हैं, CEO रियासत अस्पताल मीरपुर आज़ाद कश्मीर, और सीनियर फैमिली फिजिशियन हैं, खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। और इनसे हम लोग कुछ एपिसोड्स इसलिए करना चाह रहे हैं इनके साथ कि हमारे जो देखने वाले हैं वो जहाँ पर इंटरटेनमेंट और दीगर सियासी और बाकी हवालों से प्रोग्राम्स देखते हैं, तो उसके साथ साथ हेल्थ के हवाले से भी उन तक अहम जो पैगाम हैं वो पहुँचाए जा सकें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आज फिर आपने हमारे देखने और हमारे सुनने वालों को टाइम दिया। और हमारा पिछला प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक उसमें हमें मिला, और उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम भी खासा फ्रूटफुल होगा, जिससे आम जो लोग हैं जिनकी रसाई नहीं भी है वो भी फ़ायदा उठा सकेंगे। पिछले प्रोग्राम में तो हमने डॉक्टर साहब जैसे कुछ रियासत अस्पताल के हवाले से बातचीत की, कुछ कोरोना के हवाले से हमारी बातचीत हुई, मुख्तलिफ चीज़ों पे हमने बात की, लेकिन अभी मैं ये चीज़ आपसे इस प्रोग्राम में जो बात करना चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि हम लोग ख़ास तौर पर बात करें पट्ठों की कमज़ोरी के हवाले से, और जो जोड़ों का दर्द है ये बड़ी कॉमन आजकल बीमारियाँ देखने में आ रही हैं, और बल्कि इवन के इसमें यंगस्टर्स भी हमें महसूस होता है ऐसे कि वो भी ये शिकायत कर रहे होते हैं जी कि हमें जोड़ों का दर्द है या पट्ठों की बीमारी है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने टॉपिक छेड़ा है वाकई मेडिकल में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी, और हम दिन भर ख्वातीन को स्पेशली ये सुनते हैं जी कि पट्ठों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, मर्दों के निस्बत औरतों में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ अर्सा पहले ये एक तफ्ती से नई आई कि जी विटामिन डी की कमी की वजह से कमी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जब नोट किया गया तो यूरोप में तो विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ भी शहरों में जहाँ लोग घरों के अंदर रहने वाले हैं और उनका खेतों में या धूप में निकलने के चांस कम होते हैं, ठीक है, तो विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, विटामिन डी की कमी रूटीन में जो पूरी होती थी वो दूध और देसी घी से, विटामिन डी की कमी और धूप से। ठीक है, जो लोग देहात में रहने वाले हैं वो तो धूप में भी निकलते हैं, मुख्तलिफ काम भी करते हैं, और वो दूध दही का इस्तेमाल भी वाफर करते हैं, तो उनको आम तौर पे ये बीमारी नहीं होती, नहीं, विटामिन डी की कमी नहीं होती। ठीक, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग जो घरों के अंदर ही रहते हैं, ओपन धूप में नहीं निकलते, और अगर निकलते हैं तो ख्वातीन ने अबाया या पूरा फुल ड्रेस पहना होता है जिसमें उन्हें धूप का कोई उस तरह बेनिफिट मिलता नहीं है, तो उस वजह से विटामिन डी की कमी एक बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, दूसरी जो कमी बहुत ज़्यादा फील की जाती है सोसाइटी में वो मेथी को बाल की है, विटामिन B12 की। अच्छा, अदरवाइज विटामिन सी, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स सारे की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, लेकिन जो लोग रूटीन की अच्छी सब्जियां और फल खाते रहते हैं उनकी विटामिन बी और सी की कमी पूरी हो जाती है, लेकिन विटामिन डी की कमी जो है वो जब तक आप प्रॉपर सप्लीमेंट ना लें तो पूरी नहीं होती। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो एक बड़ी हमने एक चीज़ देखी थी, बड़ी कंपेन भी चली थी कि आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें, और एक हमारे पास जो हमारा अपना पिंक सॉल्ट है जो हमारा क्योड़ा से जो निकला, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसमें दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर? देखिए जी, बात यह है कि जो आयोडीन मिला नमक की बात कर रहे हैं और पिंक सॉल्ट में, दोनों में प्रॉब्लम या फ़र्क ये है कि आयोडीन अदरवाइज हमें खुराक की बहुत सारी चीज़ों से मिल जाती है। ठीक है, और आयोडीन रूटीन में हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें भी हमें मिल जाती है। ठीक है, जो लोग मैदानी इलाकों के रहने वाले हैं उनको आयोडीन की रूटीन में कमी नहीं होती, लेकिन वो लोग जो डेलवान एरियाज में रहते हैं, सतह मरतफा हमारा पोठवार सारा और ये जो हमारा पहाड़ का इलाका है जहाँ पे बारिश का पानी तेजी से गुजर जाता है, तो वो जो मिट्टी के अंदर रूटीन की आयोडीन है वो उसको तेजी से बहा के ले जाता है। ठीक है,
तो इस तरह जो हमारी गजाएं पहाड़ी इलाकों के लोगों की हैं उसमें आयोडीन की कमी होती है, तो उनको एडिशनल आयोडीन चाहिए, इसलिए उन्हें आयोडीन मिला नमक चाहिए। सही। अदरवाइज जहाँ पे आपके नॉर्मल मतलब प्लेन ज़मीन है, स्टैग्नेंट वाटर है, तो वहाँ पे आयोडीन की कमी होती नहीं है, रूटीन में पूरी हो जाती है। उनके लिए ये जो खीवड़ा का नमक है, पिंक साल्ट, ये दुनिया में इस वक्त तक नंबर वन गिना बेहतरीन नमक है। बिल्कुल ठीक है। तो वो उस नमक में अजाफी आयोडीन नहीं होती। सही है, क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए आपसे किया था कि वो जो था हड्डियों की मजबूती और पट्ठों की मजबूती, इसमें भी आयोडीन का कोई अमल दखल है? ये जो है ना, मिनरल्स बहुत सारी हैं जिनमें जिंक है, जिनमें आयोडीन है, जिनमें सिलीनियम है, और बहुत सारी छोटी मिनरल्स हैं जो रूटीन में हमारे गजा से मिल जाती हैं। ठीक है। जो लोग सब्जियां फल सही खाने वाले हैं उनको ये सारी चीज़ें रूटीन में डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ठीक है। आजकल का जो प्रॉब्लम आ गया ना, वो ये है कि हमारे बच्चे भी और बड़े भी, प्रॉब्लम ये आ गया कि हमारी डाइट जो है वो नॉर्मल फूड नहीं रही। बिल्कुल सही। हमारी सूरत ये है कि जिसको जो पसंद है वो पूरा हफ्ता वही खाता रहता है। सही। या मैक्सिमम टाइम वही खाता है, तो लोगों की नॉर्मल खुराक में सब्जियों का इस्तेमाल और फलों का इस्तेमाल उतना नहीं है जितना होना चाहिए। सही। तो उस वजह से फिर सप्लीमेंट लेने जरूरी थे। जी नाज़रीन, मैंने इससे पहले भी डॉक्टर साहब के साथ जितनी भी हमारी गुफ्तगू हुई, जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए, उसमें ये चीज़ एक बहुत आम है कि डॉक्टर साहब ने हमेशा खुराक के हवाले से बहुत ज़्यादा जोर दिया कि बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है अगर आपकी डाइट बैलेंस, आपकी जो है वो डाइट। देखा जी, प्रॉब्लम बुनियादी तौर पर यह है कि हमारे यहाँ इस चीज़ पे ना गवर्नमेंटल लेवल पे ना हमारे मीडिया के लेवल पे तो दी जा रही है कि भाई गजा की क्या अहमियत। ठीक है। मेरे ख्याल में, और सिर्फ मेरा ख्याल नहीं है, ये मेडिकल साइंस का ख्याल है, कि अगर हम नॉर्मल बैलेंस डाइट लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिनमें से अभी आपने पट्ठों की और जोड़ों की बीमारियां जो बताई हैं जी, जोड़ों की कुछ बीमारियां तो वो हैं जो जेनेटिक हैं। ठीक है। जो आपको खानदान से विरसे में मिलेंगे। सही। लेकिन पट्ठों की कमजोरी और रूटीन के जोड़ों की और हड्डियों की बीमारियां जो हैं वो हमारी नाकस गजा एक बड़ी वजह है। सही। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अगर कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पट्टे कमज़ोर हो गए हैं, या मतलब कुछ लोग ये होते हैं कि वो अपनी दिमागी विल पावर पे तो अपने जिस्म को घसीटते रहते हैं, चलाते रहते हैं, लेकिन इनरली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं? देखिए जी, बात यह है कि अगर कोई बंदा अपने रूटीन के दिन के काम काज के बाद शाम को थका हारा होता है तो उसको उसके अंदर कमियां हैं। ठीक है। रूटीन के काम से थकना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। इजाफी काम से बंदा थक सकता है। इजाफी काम से थकना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो बंदे के रोज का मामूलात हैं वो रूटीन के मामूलात पे अगर थकता है तो उसको फौरी तौर पे अपना टेस्ट करवाना चाहिए कि उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आइदर उसे शुगर का प्रॉब्लम है। सही। या उसे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या उसको विटामिन की कमियों का सामना है। ठीक है। तो उसको अपना चेकअप करवाना चाहिए। ये जो लिथार्जी, थकन, कमज़ोरी है, इसके पीछे कोई ना कोई काज है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है इस हवाले से, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ अद्वियात ही फ्रूटफुल हैं, या इसके अंदर अगर आप मेडिसिन को छोड़ के सिर्फ अपनी खुराक के ऊपर तवज्जो दे लें तो आपके पट्ठों के जो मसाइल है वो हल हो सकते हैं? देखें जी, प्रॉब्लम ये है कि खुराक से जो प्रॉब्लम हल होते हैं उसको टाइम लगता है। ठीक है। खुराक से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। ठीक है। बट इट टेक्स टाइम। ठीक है। लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो आज डॉक्टर के पास आए हैं तो वो परसों भी नहीं कुछ करना चाहते, आधे घंटे में ठीक हूँ, बिल्कुल तो बेहतर होना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरतों में डॉक्टरों को कोई ना कोई सप्लीमेंट ऐड करना पड़ते हैं। सही। खुराक की हदायत के साथ। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और भी हम लोग देखते हैं कि इंजेक्शन पट्ठों की मजबूती के लिए मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं, रिकमेंड करते हैं कि इंजेक्शन, उसके साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए नहीं, साइड इफेक्ट तो अपनी जगह है ना। मैं रूटीन में इंजेक्शन को प्रेफर नहीं करता। सही। कि बंदे को ओरल सप्लीमेंट दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, कुछ जगहों पे अगर किसी का आजमे का कोई मसला है या कोई और वजह है तो फिर इंजेक्शन भी देना पड़ता है। हाँ, एक्यूट डेफिशिएंसी है,
किसी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। सही, मतलब आम तौर पे हमें छोटे मोटे उसके लिए, ख़ासतौर पे जो हमारे नौजवान ये बॉडी बिल्डिंग या इस तरह के वो चीज़ होते हैं, वो अपने मसल्स को, पट्टों को मजबूत करने के लिए फिर वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। देखें जी, बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत सारी और चीज़ें भी जो मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, पूरी दुनिया में यूज़ हो रही हैं, उनमें ग्रोथ हार्मोन भी है, उनमें कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी हैं, उनमें कुछ विटामिंस भी हैं, कुछ हाई प्रोटीन डाइट्स भी हैं। तो प्रैक्टिकली जो एक डॉक्टर की या न्यूट्रिशनिस्ट की प्रेस्क्राइब्ड चीज़ें, वो तो बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, कि वो उनके लिमिट और वो है। हमने ये देखा है कि बहुत सारे वो लोग जो किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं तो वो अपना नुकसान कर लेते हैं। कुछ लोग अपने जिगर का नुकसान कर लेते हैं, कुछ लोग गुर्दों का नुकसान कर लेते हैं, तो वो बॉडी बनाने बनाने के चक्रों में अपने वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर लेते हैं। उसमें कम अज़ कम आपके प्रोग्राम के तौर से मैं ये कहूँगा कि अगर किसी बच्चे को में बॉडी बिल्डिंग का शौक है तो वो उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट या उसके रिलेटेड जो डॉक्टर साहबान हैं उनसे मशवरा करके ये करें, अदरवाइज ना करें। अदरवाइज देखें, रूटीन से हट के जो भी चीज़ें हैं ना, वो आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करती हैं। सही, बिल्कुल, तो उसको सेव करना उस बॉडी बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने मतलब इसके हवाले से बात कर दी। अब थोड़ी सी मतलब एक चीज़ ये भी आती है कि अगर आपने पहले हम पट्टों के ऊपर ही बात करें कि अगर उसकी मजबूती आप चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी लाइफ ज़्यादा हो, डिस्टर्बेंस ना हो, तो किस किस्म की डाइट आपको लेनी चाहिए? देखिए जी, बेसिकली तो जो डाइट का फार्मूला है ना, उस डाइट में बड़ी चीज़ें जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है और फैट्स हैं। ठीक है, तो जो बैलेंस डाइट है उसमें 40% आपके खुराक में कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, 40% प्रोटीन्स होनी चाहिए और 20% या उससे भी कम फैट्स का हिस्सा होना चाहिए। यानी कि घी वगैरह 20% के करीब, कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी अनाज 40% के करीब। अब जो लोग सिर्फ गोश्त के शौकीन हैं तो वो भी नुकसान कर लेते हैं। वो भी नुकसान कर लेते हैं। जो बहुत चिकनाइयाँ खाने वाले हैं वो अपना नुकसान कर लेते हैं। जो बहुत मीठी चीज़ें और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेते हैं वो भी अपना नुकसान करते हैं। तो बैलेंस डाइट चाहिए बुनियादी तौर पे। ये तो तीन बड़े इंग्रेडिएंट हो गए ना, उसके बाद आ गया फाइबर डाइट। ठीक है, कि आपकी डाइट इतनी प्योरीफाइड ना हो, उसमें फाइबर भी हो। अच्छा, तो फाइबर जो है वो आपको मिलेगा सलाद में, वो फाइबर आपको मिलेगा अगर रोटी फाइन आटा नहीं है, देसी आटा जिसको हम लोग बोलते हैं, देसी आटा होगा तो उसमें फाइबर आएगा। उसके अलावा आप जो फल और सब्जियां लेते हो उसमें फाइबर, जैसे आजकल के मौसम में किन्नू, माल्टा, इसमें बहुत ज्यादा, तो उसमें फाइबर होगा। ठीक है, तो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी के लिए फाइबर की अपनी जरूरत है ताकि आपके आंतों के निजाम को वो सही रख सकें। मुझे बताइएगा कि चिकन जो है, मतलब मुर्गी का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और डॉक्टर्स को रिकमेंड भी करते हैं, लेकिन उसमें अभी आप देखें कि पहले चिकन जो है वो कोई तकरीबन 3 महीने का या 4 महीने का हुआ करता था, जो 1.5 किलो का खाने के लिए। अभी वही चीज़ आ गई, 1 माह पे 45 दिनों में, बल्कि उससे भी कम वक्त में उसको तैयार कर लेते हैं, जिसमें एंटी हैवी किस्म के एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें जो आपके हार्मोन डेवलपर्स हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं, वो चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद खुराक रह गई है, नुकसानदेह खुराक हो गई है? नहीं, देखें जी, ये पूरी दुनिया में इस वक्त एक आर्ट टॉपिक है कि ये जो ब्रायलर मुर्गी और जानदार है जो अपनी एक नॉर्मल लाइफ से के अलावा वेजिटेटिव लाइफ में है, जिनमें खुराकें दे के उनका वज़न बढ़ाया गया है, तो ये कितने फ़ायदेमंद हैं, कितने नुकसान आते हैं इनके, ये एक पूरी दुनिया में एक डिबेट चल रही है। ठीक है, इसमें चूंकि बहुत सारे लोगों के मफादात और बहुत सारे लोगों के नुकसान शामिल हैं, लेकिन अगर फैक्ट में जाओ, हकीकत पे जाओ, तो हर वो चीज़ जो नेचुरल वे से हट के है, ठीक है, खा वो सब्जियां, ठीक है, खा वो फल हैं, ठीक है, खा वो ब्रायलर मुर्गियां, ठीक है, या ये शुतुरमुर्ग वगैरह उस तरह की चीज़ें आ रही हैं, जितनी चीज़ों कोई ग्रोथ को आर्टिफिशियल सोर्सेज के जरिए बढ़ाया गया है वो उतनी फायदेमंद नहीं है जो नेचर की। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों के जो दर्द हैं, इनकी वजूहात क्या हो सकती है?
हड्डियों की कमजोरी की एक बड़ी वजह तो वही। अब तो मास्टर भी नहीं मारते, पता पहले दौर में तो ये कहते थे तेरी हड्डियां पर ना गए, और टीचर्स जो है वो डांटा करता था, तो वो भी नहीं रहा। कि अब बच्चों में भी, बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो अब जवान में हो चुके हैं, जो दूध डब्बे के दूध से बिल्कुल डब्बे के दूध। अब डब्बे का दूध जो है वो असल दूध का मुतबादल तो नहीं हो सकता, ठीक है। जो नेचर ने चीज़ें रखी हैं वो सारे के सारी डब्बे के दूध में नहीं है, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। उसकी वजह से जो बोन मिनरल डेंसिटी है, जो हड्डियों की ताकत है, वो उस लेवल की नहीं है जो एक नेचुरल ग्रोथ के जरिए और नेचुरल फूड के जरिए या मदर मिल्क के जरिए बनी होती है, ठीक है। तो हड्डियों की कमजोरी की एक बड़ी वजह फिर वही कि नेचर से हटके खुराक जो है, ठीक है। उसके साथ विटामिन डी की हम पहले जिक्र कर चुके हैं, मुख्तलिफ विटामिन की और मिनरल्स की जिक्र कर चुके हैं, और ऊपर से ये है कि जो हमारी आज की डेली खुराक है लोगों की, उसमें भी बैलेंस नहीं। एक ये भी चल, बच्चों में हड्डियों का टेढ़ापन वगैरह इस किस्म की बीमारियां भी फिर वो जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, उसमें मरूसी ज़्यादा असरात हैं, या बचपन से खुराक ठीक नहीं होती है तो फिर वो आगे से उनकी एक्टिविटी भी उस तरह की नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब बच्चों ने, अब देखें एक बहुत बड़ा तबका वो है जो बच्चों को वालदैन घर से बाहर गली में भी नहीं निकलने देते, सही। तो अब वो एक घर के अंदर हाउस बाउंड चिल्ड्रन जो हैं, उनकी हड्डियाँ और उनके पट्टे वो उस लेवल के तो नहीं हो सकते जो नेचर की डिमांड है। बिल्कुल सही। नेचर की डिमांड में तो बच्चे रोजाना कई किलोमीटर भागते दौड़ते हैं, तो तब उनकी वो फिजिक बनती है, उनकी वो चीज़, ठीक है। लेकिन जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि बैलेंस डाइट अब हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है। अब तो आपको ये भी नहीं पता कि दूध दूध है या नहीं है, दही दही है, पाउडर है या दही है। वही कह रहा हूँ, तो जब बैलेंस डाइट मुमकिन नहीं है तो फिर जो ही आप ज़रूरत समझें तो फौरी तौर पर दवाइयों की शक्ल में सप्लीमेंट ऐड कर लें। हमारे पास रियासत हॉस्पिटल में ऐसी सहूलियात मौजूद हैं कि पट्ठों की कमज़ोरी या हड्डियों की कमज़ोरी या दर्द वगैरह जो जोड़ों का दर्द है उसके हवाले से, को आर्थोपैटिक या इस किस्म की जब चीज़ें आती हैं तो उसको फिर यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा सकता है लोगों को? जी बिल्कुल किया जा सकता। सही, वो कैसे? देखें जी, मुख्तलिफ चीज़ों को जब हम पूरी तरह एग्जामिन करते हैं, उनके क्लिनिकल टेस्ट ले लेते हैं, तो उसमें जो जो चीज़ की कमी होती है वो उनको वो प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। कुछ जगहों पे वॉक या एक्सरसाइज का ज़रूरत होती है, उन्हें वो बता दी जाती है, ठीक है। सो मुतलका जो जो चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं। यानी कि रियासत अस्पताल मीरपुर में ये सहूलियात है जो मौजूद हैं, अगर आपको हड्डियों की प्रॉब्लम है, हड्डियों में दर्द है, तो वो भी उन मरीजों को भी देखा जाता है, और अगर जोड़ों की कोई दर्द वगैरह या उससे की जो चीज़ें हैं वो भी सारा। और इसमें डॉक्टर साहब फिर एक मरतबा, हम लोगों को पता तो है लेकिन इसमें फिर एक मरतबा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सेल्फ मेडिकेशन है उसके हवाले से आप क्या कहें? सेल्फ मेडिकेशन में से अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है। आप कोई भी काम करने लगे हो तो आप किसी न किसी डॉक्टर से उसके बारे में पूछ लें कि ये दवाई मैंने कितने अरसे के लिए खानी है और किस अंदाज में खानी है, ठीक है। देखें अब भी हम बात दर्दों की कर रहे हैं, तो दर्दों की जितनी दवाइयाँ हैं वो मैदे को नुकसान पहुँचा, और हम अक्सर लोगों के मैदे खराब हुए, फटे हुए, अल्सर बने हुए देखते हैं, ठीक है। बहुत अरसे तक अगर आप एनाल्जेसिक का यूज़ करते हो तो आपके गुर्दे फेल हो सकते, ठीक है। सो उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। हार्ट अटैक का बाइस भी बन सकते हैं। हार्ट अटैक की दर्द की दवाइयाँ डायरेक्टली तो नहीं बनती, लेकिन उसका एक कंट्राइंडिकेशन और साइड इफेक्ट में उस तरह आ जाता है। लेकिन दर्दों की दवाइयों से गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपका जिगर डैमेज हो सकता है और मैदे का अल्सर हो सकता है, ये मेजर काजेज हैं एनाल्जेसिक। बिल्कुल सही, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उनसे मैदे का अल्सर हो सकता है, जिगर फेलियर हो सकता है, यानी खासा खतरनाक है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि पूरी दुनिया हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं ना, कि मतलब जो इस वक्त जितनी हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर और हमारे मुल्क में खासतौर पर, मतलब ये इसका तनासब आप कैसे देखते हैं कि वहाँ पर लोगों को ये मसाइल ज़्यादा हैं हड्डियों के और पट्ठों के या हमारे मुल्क में ज़्यादा हैं? देखिए जी, ये मसाइल पहले यूरोप के ज़्यादा थे, ठीक है,
लेकिन अब वक्त के साथ साथ हमने भी बहुत सारी चीज़ें वही अडॉप्ट कर ली हैं, तो अब हमारे यहाँ भी उनसे कम नहीं है। बिल्कुल सही है, जिसमें सबसे अहम चीज़ जो है हमारी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़, वो ना होने के बराबर, लैक ऑफ एक्सरसाइज। और प्रैक्टिकली अगर मैं ये कहूँ तो बहुत सारी जगहों पे तो पैदल चलने के लिए जगह ही नहीं है, रास्ते ही नहीं है, पटरियां नहीं है, फुटपाथ ही नहीं है, ठीक है, तो लोगों को चलने का वो कोई वो है ही नहीं है। लोग घर से गाड़ी या मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक उस तरह जाते हैं। बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब, हमारे देखने वालों के लिए प्रोग्राम के आखिर में कोई आप अच्छा सा कोई मैसेज इस चीज़ को लेकर कि वो अपने मसल्स को, अपने पट्ठों को कैसे बचा सकते हैं और अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कोई हमारे देखने वालों को? शॉर्ट सी बात उसमें यह है जी कि फितरत के करीब ज़िंदगी गुजारें, ठीक है, जो फितरत के कानून है उसके मुताबिक चलें, वो नॉर्मल और सादा गुजार रखें, बैलेंस्ड गुजार रखें और अपनी ज़िंदगी में वॉक को लाजमी हिस्सा शामिल करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि बेसिकली हम ये जान सकें कि हमें हड्डियों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जो मसल्स की कमज़ोरी है उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, और उस तमाम का अगर मैं एक आखिर में आपको निचोड़ बताऊं तो वो यही है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं ना होने के बराबर हो गई हैं, हमारी जो खुराक है वो बैलेंस नहीं है, जिसको अगर किसी को बर्गर पसंद है तो बर्गर ही खाया जा रहा है, किसी को अगर गोश्त पसंद है तो वो गोश्त ही खाया जा रहा है, और फार्मी मुर्गी जो है वो कोई इतनी अफेक्टिव चीज़ नहीं है, फार्मी अंडे ये चीज़ें जो है ये नुकसानदेह हो सकती हैं, फार्मी मछलियाँ, वैसे मीरपुर में तो खैर यहाँ पे डैम की मछली मिल जाती है, शुक्र अल्लाह का मिल जाती है, हाँ जी, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो नुकसानदेह हैं। लेकिन इसके साथ एक अच्छी चीज़ ये भी है यहाँ पर कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रियासत अस्पताल में ये सहूलत मौजूद है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको पट्ठों की कोई प्रॉब्लम है, आपको मसल्स की कोई प्रॉब्लम है या आपको हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है, तो उस हवाले से यहाँ पर उन मरीज़ों को देखा जा सकता है, यहाँ पर ये सहूलियात जो हैं वो मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में हम दोबारा से डॉक्टर रियासत साहब से नए मौजू के ऊपर फिर से बात करेंगे, और जिसमें हम लोग बच्चों की कुछ इमराज के हवाले से बातचीत करना मैं चाहूँगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत आम मसला है और क्योंकि बच्चों की ग्रोथ के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा कि बच्चों को हम लोग कमरों में बंद करके रखते हैं, जब फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती तो बेचारे पैदा होने से लेकर और फिर बड़े होने तक उनकी कोई इस किस्म की कोई एक्टिविटी होती नहीं है कि वो अपनी फिजीक को बेहतर कर सकें, और जब फिजीक बेहतर नहीं होगी तो कुव्वत मुदाफ़त कम होगी, कुव्वत मुदाफ़त कम होगी तो यकीनन वो बीमारियों का शिकार होंगे। हमारे इस प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ जो ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से होगा, रियासत अस्पताल मीरपुर से डॉक्टर रियासत साहब के साथ मिलकर आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।